नहीं जा रहा कुछ। तो यहाँ पे केशव जी का टाइम पास करने के लिए मैं थोड़ा सा उसको नीचे ले आई हूँ, क्योंकि हवा अभी बंद है, हवा नहीं चल रही है, बट धूप चली गई है तो अब क्या करो। इसको थोड़ा सा नीचे घुमा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि चेतन होते तो खाना वाना बनाना पड़ता ना, इसलिए इसको टीवी दिखानी पड़ती है। तो आज तो अभी तो क्यों ही दिखाऊँ, थोड़ी देर में तो क्या पता बोर होए तो दिखानी पड़े। तो ये देखिए, आपका कृष्णा आरती लेना भी सीख गया है। आरती ले लो किशो। बेटा शूट करती थी, ऐसा क्यों करता है? आरती ले लो। इसका हाथ नहीं जलेगा क्योंकि मैंने इसको सिखा दिया है कि हॉट, तो वो उसके ऊपर नहीं करता। देखो बिल्कुल, इसको पता है कितने डिस्टेंस मेंटेन करनी है। राधे राधे कर दो, राधे राधे। अच्छा जय कर दो भगवान जी को, जय जय हो भगवान जी, जय 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 करो। अच्छा अब इसको चाहिए प्रसाद। तो ये वो हलवा है जो मैंने कल बनाया था, मतलब एकादशी वाले दिन। ये इतना हमने खा लिया था रात में, और आधा बचा था आधा। मैं सुबह से, मेरा जो मुंह चल रहा है इस पर, मैं इसको पूरा ख़त्म करने पे आ गई। और ये ठंडा भी बड़ा स्वाद लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है। आइंदा से ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाऊंगी जो इतनी बच जाए और मैं ही उसको अकेले खा लूँ। मैं किचन से आई हूँ और उस बच्चे ने एक टेबल खिसका ली आज इतनी। ओह हेलो चुनचुन टीवी है, कोकोमेलन, ज़्यादा जोश नहीं आ गया? भाई साहब इसने इतनी खिसका दी है, वाह। रात की बज रही है 11:30, मुझे लग गई भूख। और ये है, जैसा कि मेरे फेफड़े को किशु सो रहा है। किशु आज 9 बजे सो गया था, अब ये कभी भी उठ सकता है। तो मुझे पता नहीं नींद नहीं आ रही। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे, बहुत मस्त होंगे। मैं और किशु उठ चुके हैं। किशु रात में 9 बजे ही सो गए थे, पापा नहीं थे तो बोर होके, और अभी 9 बजे उठे हैं। बीच में दो बार ये मतलब जो है उठे थे, पर मैंने वापस सुला दिया इनको। और मैं भी अभी उठी हूँ। मैं तो खैर रात में 3 बजे के आसपास सोई थी क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। और 3 बजे तक मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पे खिट पिट चलती ही रहती है। कोई स्टूल खिसका रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब फ्लैट्स में ना शांत नहीं रहता कभी। तो सुबह का सबसे पहला मेरा काम होता है हाथ वगैरह धो के, फिर मैं पानी गर्म करने को रखती हूँ। उसके बाद में जो है दूध छानती हूँ। दूध तो सुबह जल्दी आ जाता है, 6:45 या 7 बज जाते हैं आजकल तो ठंड के टाइम पे, फिर भी 7 बजे जल्दी ही लगता है मुझे। तो सबसे पहले दूध वगैरह मैं लेके रख लेती हूँ अलग से, और जब उठती हूँ प्रॉपर तभी उसको छान के चढ़ाती हूँ। तो फिर उसके बाद में रात में मैंने बर्तन साफ़ किए हुए थे, तो थोड़े ही बर्तन थे तो इसलिए ऐसे ही रख दिए थे। तो मेरे को लगा सुबह सुबह उनको जमा देती हूँ, वरना किशु का हाथ पोंछने लग गया ऊपर और उसको पता नहीं चलता ऊपर क्या रखा है, वो सारी चीज़ें धड़ाम नीचे गिरा लेता है, तो कभी उसको चोट ना लग जाए। तो पहले वो कर रही थी, फिर मैंने दही जमाया था जो कि थोड़ा सा पानी जैसा जमा था, क्योंकि वो बड़ा बर्तन था और दूध उसमें कम था। ये चीज़ मैंने रात में ही देख ली थी, पर हमारा मन जब कह देता है ना तो हम मानते नहीं उस चीज़ को। खैर उसको मैंने थोड़ा सा गर्म करके वापस रख दिया। फिर मैं किशु को पानी पिलाने जा रही थी, सुबह उठते ही उसको भी मैं गर्म पानी देती हूँ थोड़ा सा, और मैं हर चीज़ खुद पहले टेस्ट करती हूँ कैसी है, उसके बाद मैं उसको देती हूँ। तो मैंने उसको पानी पिलाया, फिर मैं थोड़ा सा नमक डाल के पानी पी रही थी। आजकल मैं थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट या फिर पिंक सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं हल्का सा डालती हूँ चुटके भर, फिर उसको पीती हूँ। यहाँ पर किशु जो है वाटर फिल्टर देखने आया था, क्योंकि जब आरओ चलता है तो वो बहुत खुश रहता है और उसको बड़ा मज़ा आता है देखने में। फिर हो रही थी अपनी चाय की तैयारी। मन तो कर रहा था यार मस्त एक अदरक वाली चाय पीऊँ। कॉफ़ी वैसे तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी बीच में स्टार्ट करी थी, लेकिन फिर वापस अब बंद कर दी है। और अभी तो सर्दियाँ हैं ना, तो मैं सोच रही हूँ चाय के साथ ही थोड़ा सा गर्माहट ली जाए। यहाँ पे किशु जो है उसको वहीं खेलना होता जहाँ मम्मा होती है, तो किचन में लगा हुआ था मेरी चाय और मूंगफली। आपको लगता होगा इतनी मूंगफली क्यों खाती है? कोई भी मैदे का बिस्किट खाने से तो अच्छा है, चाय के साथ थोड़ी सी मूंगफली खा लो, खाली पेट चाय नहीं पीनी। तो गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्ते।
वेरी गुड कृष्णा। अच्छा कृष्णा, ये बताओ आपकी आईज कहाँ हैं? किशु, वेयर आर योर आईज? अरे ऊपर नहीं आना बेटा, ऊपर मम्मा की चाय गर्म है, हॉट हॉट। किशु, शो मी योर टंग। टंग तो आई नहीं बाहर। अच्छा नोज कहाँ है? नोज बताओ तो। तो किशु सुबह सुबह थोड़ा सा खेलता है, मतलब जब उठता है उसके आधे घंटे के अंदर अंदर, बीच बीच में उसको मम्मा याद आ जाती है, लेकिन फिर भी खेलता रहता है। बैट बॉल हो गया, जो भी इसको खिलौने दिखते हैं, उसको रात भर दिखते नहीं हैं, तो सुबह उठते ही खेलने लग जाता है। तो बस ऐसे ही हुए सुबह की शुरुआत। अच्छी बनी है चाय, ठंडी भी हो गई यार, बहुत ठंड है यहाँ पे, बहुत ठंड है। मैं सुबह 7 बजे उठी थी ना, दूध लिया और गेट खोला तो इतनी ठंड। मैंने कहा मोनिका वापस सोचा, आज तो कोई काम भी नहीं है इतना, तो वापस हो गई। और मैं सोई भी लेटी थी, और रात को तो भाई साहब, दिन तो कट जाता है पर रातें मतलब ऐसा हो जाता है कि आप चेतन नहीं थे ना, मुझे लग रहा था कि एक वो लगता है ना कि कोई नहीं है वैसा। हम कितना लड़ते हैं उस टाइम लगता है नहीं, अभी तो बहुत गुस्सा आया हुआ है ये वो, लेकिन फिर कल तो पूरा सोच लिया था। चेतन रोज़ ऑफिस जाते हैं, वो दिन में रोज़ ही नहीं रहते, लेकिन कल मुझे पता था कि शाम को नहीं आएंगे ना, तो मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि आज चेतन नहीं, जबकि दिन में वो रोज़ ही नहीं रहते। किशु भी शाम को बोर हो गया, 8 बज गए, रोने लग गया कि चलो, मतलब इसको भी ऐसा लग रहा था कि पापा नहीं है ऐसा कुछ, तो ये 9 बजे सो गया, रो रो आके कर आके 9 बजे सो गया। अब मैं क्या करूँ? अब मैंने सोचा कि 10 बजे सो जाती हूँ, नहीं सोई। अब ज़बरदस्ती ना आपको नींद नहीं आ रही और आप सोने की कोशिश करो तो आपका सर दुखने लग जाता है, तो मैंने कहा छोड़ो अपन तो कुछ फ़ोन में देखते हैं। अब मेरा फ़ोन में भी मन ना लगे, फ़ोन में कुछ देखूँ मन नहीं लग रहा। 3 बज गई, मतलब रात में 3 बज गई और मुझे नींद नहीं आ रही थी, मतलब बीच में आधा एक घंटे का गैप तो मैंने ऐसे दिया, चलो सोने का ट्राई करते हैं। फिर लास्ट में आंखें एकदम दुख गई और ऐसा लगा कि अब तो सो जाते हैं। लगा क्या, फिर वो नींद आ ही गई, आंखें बंद हो ही गई तो नींद आ गई, अदरवाइज तो नींद आ ही नहीं रही थी। कल मैंने ऐसा फील किया कि यार मैं इतने दिन घर रह गई, और जैसे बीकानेर रहना था तो मैं 20 दिन बीकानेर थी पिछले, और फिर 10 दिन घर थी, तो पूरा महीने से ज़्यादा हो गया था मुझे तब मैं यहाँ आई थी। तो चेतन कैसे रहे होंगे यार? वो बोलते थे ना कि मैं घर आता हूँ तो मुझे ऐसे बहुत खाली खाली लगता है, फिर वो अगर वीडियो कॉल कर लिया तो लेटे मैं बोलती थी यार कुछ बना लो, कुछ खा लो, कुछ मंगा लो, कुछ जैसा भी जो भी करना है कर लो, और फटाफट से काम ख़त्म करो अपने। पर कल मुझे फील हुआ कि नहीं यार, अकेले रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हम अपने लाइफ पार्टनर से लड़ते रहते करते रहते हैं। और मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर थी, चेतन जाएंगे, मैं ना होममेड फेस पैक्स लगाऊंगी, चेतन को पसंद नहीं है ज़्यादा ना, और दिन में वैसे मुझे टाइम नहीं मिलता, तो मुझे लगा कि रात में बढ़िया सा एक पेडिक्योर करूंगी, पैरों में अच्छे से क्रीम लगा के सोऊंगी। मैं जब बीकानेर गई थी तो हमने वहाँ बहुत साफ सफाई करी थी, और मेरी एड़ियाँ अभी तक क्रैक, अभी तक फटी हुई हैं पैरों में। मैंने सोचा था कि मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी और पेडिक्योर वगैरह करके सोऊंगी अच्छे से, और साथ ही साथ फेस मास्क लगा लूंगी, ये वो, कुछ नहीं किया, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और लगा कि नहीं यार, कितना भी लड़ लो लेकिन जिस इंसान से आप प्यार करते हो वो आपको आजू बाजू तो चाहिए ही चाहिए। इसी के साथ जो है रात में 3 बजे तक हम जगे, और फिर सुबह उठे 7 बजे, तो लगा ठंड है तो वापस सो गए 9 बजे। फिर 9 बजे उठे दोनों माँ बेटे। आज तो सबसे अच्छी बात कि किशु भी 9 बजे तक सो लिया यार, वरना ये तो 6 घंटे से ज़्यादा सोता ही नहीं। रात में उठा था एक बार, तब मैंने देखा था तो टाइम हो रहा था 4 बजे थी, मैंने कहा यार अभी तो किशु मैं सोई हूँ, फिर उसके बाद ये इसको सुलाया तो ये सो गया, फिर सुबह ये 6:30 उठा था, वो इसका टाइम होता है, 6:30 वाला इसका टाइम होता है, ये उस टाइम पर उठ जाता है 7:30 6:30 ऐसे, पर मैंने उसको उस टाइम भी सुला दिया। तो फिर अब उठे 9 बजे, बढ़िया सी नींद ली दोनों माँ बेटे ने, अब उठे और अब चाय एंजॉय कर रहे हैं। आज चेतन बोल रहे कि आज चेतन आ जाएंगे रात तक या फिर कल सुबह। आज क्या डे है? आज फ्राइडे है। ओह, तो कल सुबह क्यों आएंगे? कल तो छुट्टी है, आज तो आना ही पड़ेगा रात में भैया।
लेट नहीं पहुँचेंगे, आगे सोचेंगे तो सुबह हमारा पूरा दिन रहेगा, किशु का मेरा। हम सैटरडे संडे इंजॉय करते हैं खूब, बहुत चेतन रहते हैं ना, बहुत ही अलग वाइब रहती है घर की। गाने बज रहे होते हैं, मैं बोल रही होती ऐसे धूमधड़ाके वाले गाने सुबह सुबह क्यों लगाए हैं, कुछ अच्छा अच्छे गाने लगाओ। स्लो, मुझे ना बहुत सूथिंग से गाने पसंद है सुबह सुबह, और चेतन को ऐसे एकदम जोश वाले गाने पसंद है कि एकदम से धाए धू ही सुनते रहेंगे, तो हम दोनों में यही चलता रहता है। और चेतन अपने ही गाने चलाते हैं, बट वो भी मज़ा आया। कल मैंने बहुत 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 ज़्यादा मिस किया यार, मतलब मैं तो दिन कटना मुश्किल हो गया। एक काम सबसे अच्छा मैंने ये किया था कि मैंने रात में मेहंदी भिगो दी थी। चेतन है नहीं तो मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा आगे आगे लगा लेती हूँ। किशु थोड़ा सा मम्मा को टाइम दोगे आप? जहाँ मम्मा, अय्या लग गई। इट्स ओके, इसको पता चल गया कि मम्मा अपना काम करने वाली है। इसको चाहिए भरपूर अटेंशन। भारी बैट उठा रहा बेटा तू खेलने के लिए। आप अपने बैट से खेलो ना। तो आज मैं लंच में ले रही हूँ चेतन जी के लड्डू। उनके लिए जो लड्डू आए थे उसमें से मैं नहीं खाती ज़्यादा के बहुत, मतलब ना के बराबर। तो आज मैंने सोचा लंच में मैं प्रॉपर एक लड्डू खाऊंगी पूरा, और उसके साथ में लूंगी मैं ब्लैक कॉफ़ी। ये बच्चा मेरे को बस खाने दे, क्योंकि इसके हो गया सोने का टाइम। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा और खेल ले। तो किशु नींदो आई है, ऐसे सो जाओ बेटा, मम्मा के पैरों की एक्सरसाइज हो जाती है ऐसे। चलो नींदो करें। तो यहाँ पे मैंने ले लिए ये प्याज और मिर्ची काट के, और चार लहसुन की कलियाँ, चार ही लिए सिर्फ, क्योंकि मैं लहसुन की चटनी भी साथ में बनाऊँगी तो इसलिए ज़्यादा नहीं लिए। यहाँ पे छाछ ले लिए, छाछ के अंदर हम कुछ चीज़ें डाल देते हैं, जैसे कि सबसे पहले बेसन एक चम्मच डाला है, ये वाली जो एक चम्मच आती है ना, ये वाली एक चम्मच डालिए, एक पैकेट छाछ में। और इसके अंदर डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार, और जाएगी हल्दी और मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची आप जितनी चाहें उतनी ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर आपको बहुत तीखा पसंद है तो। मैं हरी मिर्ची भी ले रही हूँ इसलिए लाल मिर्ची एक ही चम्मच डालूंगी। वैसे मैं किशु के हिसाब से बनाने वाली थी, फिर मुझे लगा कि छोड़ो अपनी बना लेते हैं। ये हो गया अपना छाछ का बैटर, इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अच्छे से मतलब कि अच्छे से इसको घोट लेना है एकदम। अब ये जो लहसुन है ये मैं इसमें इससे घिस के डालूंगी, ताकि जो लहसुन का फ्लेवर है वो अच्छा बना रहे, और मैं छाछ के अंदर ही डाल रही हूँ ताकि वो एक लहसुन वाला फ्लेवर जो होता है ना कच्चा कच्चा सा, वो छाछ में रहे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। घी में जो चटपट की आवाज़ आ रही है ना, उसका मतलब ये छाछ से बनाया हुआ घी है, तो ये गाँव से लाया हुआ घी है मेरा। तो आप देसी घी में ही कढ़ी बनाए, बहुत स्वाद लगती है, बहुत स्वाद लगती है। आप कभी बना के देखना, ठीक है। घी बहुत ज़्यादा या नहीं लेते हैं, मतलब मैं तो स्पेशली कढ़ी में बहुत कम तेल या घी डालती हूँ। तो ये इतना सा डालने के बाद में अब डालेंगे इसमें राई, और राई को थोड़ा छुटुट पुटुट होने देंगे। राई हमारी पक चुकी है, अब इसके अंदर डालेंगे प्याज और मिर्ची जो हमने चॉपर से रखी हुई है। आप चाहे तो ज़्यादा प्याज भी डाल सकते हैं, पर इतना प्याज अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा भी कढ़ी में आता है तो कढ़ी का टेस्ट नहीं आता समझ में। खैर, जो हमने प्याज और मिर्ची डाली है उसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, मतलब प्याज को एकदम से ब्राउन नहीं करना है आपको, हल्का हल्का सा पिंक रहे, थोड़ा सा उसमें कच्चापन रहे तो स्वाद लगता है। और इतना थोड़ा सा भून जाने के बाद में हम जो है इसके अंदर तुरंत से छाछ का बैटर डाल देंगे। छाछ का बैटर जैसे ही हम डालेंगे इसको फटाफट से मिक्स करने लग जाएंगे, वरना कढ़ाई गर्म है, छाछ तुरंत गर्म हो जाती है और फटने का डर रहता है। और अगर कढ़ी फट भी जाती तो मेरे पास एक ट्रिक थी, बट मेरी फटी नहीं तो इसलिए मैं वो बता नहीं पाई। नेक्स्ट कभी बनाऊंगी ऐसा हुआ तो आपको ज़रूर बताऊंगी शूट करके। खैर, उसको मिक्स करते रहे अच्छे से, और जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाए बहुत अच्छे से मिक्स करें।
बेसिकली आपको जब तक मिक्स करना ही है, जब तक उबालना है, और फिर उसको 15 मिनट के लिए आप जो है उबलने के लिए छोड़ दें, एकदम मध्यम आँच पे छोड़ें। बहुत ही स्वाद कड़ी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे हमारी चटनी रेडी है मिर्ची और लहसुन की, यहाँ पे हमारी कड़ी रेडी है। अब हम बनाते हैं बाजरे की रोटी। यहाँ पे अगर आपके पास में नागौरी मेथी के पत्ते हो तो वो डालें, उससे तो बहुत ही स्वाद हो जाती है। मेरे पास अभी वो नहीं है तो मैंने इसमें ग्रीन धनिया जो होता है ना, धनिया पत्ती, वो डाल दी है। बस अभी रेडी है सर्व करने के लिए। यहाँ पे मैंने ले लिया बाजरे का आटा, इसमें मैं डालूंगी ये बेसन है आधा, और आधा है गेहूं का आटा, बहुत ज़्यादा नहीं, आधा कटोरी से भी, हाँ आधा कटोरी डाला मतलब। इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नमक डाला, इसको मिक्स किया, और अब इसको आटा लगा लेंगे। तो ये हमारा बाजरे का आटा लग चुका है, ये देख सकते हो कितना सॉफ्ट लगा है। अब इसको 10 मिनट का रेस्ट दूंगी मैं, ताकि थोड़ा सा जो आटा है वो फूल जाए और नॉर्मल हो जाए, और फिर उसके बाद में रोटियां बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे आटा, उसको बहुत अच्छे से यूं पीटेंगे। वैसे तो मैंने जब आटा लगाते टाइम पे बहुत अच्छे से मसला था उसको। बाजरे की रोटी जब आप बनाते हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप उसको बहुत 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 अच्छे से ऐसे इस तरीके से मसलें, ताकि वो और सॉफ्ट हो जाए और बहुत अच्छी सी रोटी बने। तो इसलिए अगर आपको पतली रोटियां पसंद हैं, पतली रोटियां बाजरे की कड़क हो जाती हैं सेक के टाइम पे, तो अगर आपको कड़क रोटियां पसंद है तो आप पतली बनाएं, और अगर आपको मोटी रोटियां पसंद है तो फिर आप मोटी मोटी रोटी बनाएं। वैसे मोटी रोटियां अंदर से सॉफ्ट रहती हैं और उनमें घी अच्छे से जाता है, इसलिए मैं मोटी बनाती हूँ, और चिकन को भी मोटी ही पसंद है। तो ये हमने लिया, इसमें मैंने लगा लिया आटा, पानी वाली भी बनती है बट मैं मोस्टली आटे वाली बनाती हूँ। ये मैंने लगा लिया इसमें आटा, और इसको कुछ इस तरीके से तवड़ा फ्लैट कर लिया। नाओ बस ऐसे करते जाओ और ये रोल होते जाएंगे। ये देखो हो गई, ये देखो एकदम गोल भी नहीं बने तो चलेगा, बट रोटी अच्छी बननी चाहिए। देखो थोड़ी सी ये देखेंगे सिक गई है, इसको पलट देंगे और इसको पकने देंगे। जब तक वो रोटी पक रही है तब तक मैं दूसरी बना लेती हूँ, लेकिन ध्यान रखें दूसरी रोटी तभी बनाएं जब वो एकदम से आपको उतारनी हो, क्योंकि उससे पहले अगर आप बना लोगे ना तो वो और गीली हो जाएगी और वो रोटी टूट जाएगी। इसलिए बाजरे की रोटी बनाते टाइम सिर्फ यही ध्यान रखना पड़ता है कि रोटियाँ ऐसे नहीं बनती जैसे गेहूँ की रोटी हमने बना के चकले पे रख ली, वैसे इसको बना के आप नहीं रख सकते हो। रोटी सिक चुकी है हमारी, थोड़ी सी लग भी गई है, थोड़ी सी लग गई है, बाकी गैस थोड़ी सी नॉर्मल, मैं शूट के चक्कर में रह गई, नॉर्मल रखे, मीडियम रखे मतलब। ये हमारी रोटी गई, अब हम सेकेंगे ये वाली रोटी। रोटी सेकते टाइम सबसे पहले धीरे धीरे मध्यम आंच पे पहले कॉर्नर सेकते हैं हम। इसको सेकना बहुत अच्छे से ज़रूरी है, क्योंकि ये मोटी रोटी है तो इसको बराबर पकाना ज़रूरी है। तो यहाँ बाजरे की रोटी बनके तैयार है, इसमें जाएगा भर के घी। घी बहुत अच्छे से डाले बाजरे की रोटी में, तभी टेस्ट आता है। घी, घी की रोटी, चटनी और कढ़ी, वाओ बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो मैंने बना लिया है चेतन का फेवरेट खाना। अब इतनी याद आ रही थी तो मुझे लगा कि चलो चेतन आ रहे थे, उनके लिए कुछ फेवरेट सा बनाते हैं। तो ये जो बाजरे की रोटी, कढ़ी और चटनी है, उनके मोस्ट फेवरेट है, तो मुझे लगा कि आज यही बना लेते हैं। आफ्टर को बनाना बहुत आसान होती है और बहुत स्वाद होती है खाने में भी। और थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। और कल वाले ब्लॉग में जब चेतन ने बोला था कि सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ मोनिका का चैनल, इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, माय गॉड थैंक यू सो मच। मेरे कहने से भी कर लो, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, एंड लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरा यूँ ही साथ देते रहिए, और मैं भी अब यूँ ही बनाती रहूँगी ब्लॉग्स। थैंक यू।